CPA region, थर्ड के 18वें सम्मेलन के अंदर आज ये अरुणाचल की धरती जो उगते सूरज की धरती है, जहां की प्राकृतिक संपदा, नदियां, पहाड़, बहुत जनजाति संस्कृति, कल्चर और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ आध्यात्मिक संयोजन इस प्रदेश की विशेषताएं और समय समय पर संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट देश को अपने कल्चर के कारण, अपनी डाइवर्सिटी के कारण एक बेहतर विधायी कार्य के कारण एक संदेश दिया है, इसके लिए मैं अरुणाचल की धरती को नमन करता हूं। और विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद देता हूं CPA जोन थर्ड के चेयरपर्सन PD सोना जी को, जिन्होंने कम समय के अंदर इस सम्मेलन को आयोजित किया है। मैं सभी नॉर्थ ईस्ट के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय संसदीय शिष्टमंडल जोन थ्री जो विशेष रूप से सक्रिय है, जिसने लगातार ये 18वां सम्मेलन आयोजित किया है, 96 के अंदर इसकी शुरुआत हुई और कम समय के अंदर, बीच में कोरोना का समय भी आया, लेकिन आपने उसके बाद भी इतने कार्यक्रम अलग अलग प्रदेश की विधानसभाओं में किए। इसके लिए मैं जोन थ्री के चेयरमैन के रूप में PD सोना जी को, उनकी पूरी टीम को, जोन थ्री के जितने भी पूर्व चेयरमैन रहे उन सबको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। और मुझे आशा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से हम हमारे विधानमंडलों की, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की अच्छी चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिस के बाद हम देश की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को व्यापक रूप से नई दिशा दे पाएंगे और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। साथियों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एक 180 देशों का एक संघ है और उस संघ के अंदर, भारत क्षेत्र के अंदर, जोन थ्री के अंदर नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र आता है। और इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, हमारी विधायी परंपराओं को उन्नत करते हैं और उन चर्चा संवाद के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज का अनुभव होता है, उसको एक दूसरे की विधानसभाएं साझा भी करती है और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं उन अनुभव विचारों को साझा करती है।
ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम जनभागीदारी को बढ़ावा देकर अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। और मैं विशेष रूप से इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की जितनी विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर जहां ई विधान के माध्यम से अपनी अपनी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने की दिशा के अंदर अपनी अपनी विधानसभाओं में व्यापक चर्चा संवाद, क्षेत्र की जनता की व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से अपनी विधानसभाओं को उत्कृष्ट करने का काम किया है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का ये सारा क्षेत्र एक चर्चा विचार विमर्श का एक केंद्र बन चुका है। पिछली बार इसी प्रदेश, इसी क्षेत्र के अंदर असम की गुवाहाटी के अंदर सीपीए की अर्धवार्षिक बैठक गुवाहाटी में संपन्न हुई, जो पहली बार भारत में संपन्न हुई। और उसके साथ साथ भारत जोन का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन भी आयोजित किया। और विशेष रूप से उस बेहतरीन सम्मेलन के लिए, अच्छी चर्चा संवाद के लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस चर्चा और संवाद से इस देश के अंदर एक नई दिशा मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, उन प्रतिनिधियों ने जो व्यापक चर्चा की, संवाद की, और नॉर्थ ईस्ट की कल्चर डाइवर्सिटी, यहां के ह्यूमन रिसोर्स, यहां की विधायी संस्थाओं के कामों को देखा, और उन्होंने भी व्यापक रूप से लंदन में जाकर उसकी व्यापक रूप से चर्चा की। साथियों, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र बहुत सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से व्यापक चर्चा संवाद, अपने अपने विधानमंडलों में, अपनी अपनी विधायी संस्थाओं में कराने की अच्छी परंपराएं डाली हैं। ये बात सही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे राष्ट्र नेताओं के सामने एक चुनौती थी। चुनौती इस बात की थी कि हम ऐसी कौन सी शासन व्यवस्थाएं लागू करें जिसमें भारत की विविधताएं, उनकी कल्चर, उनकी भाषा, सबको एक विविधता को एक साथ लाकर हम लोकतंत्र को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और इस विविधता की चुनौती को उस समय के हमारे नेताओं ने समझा और एक ऐसी संसदीय प्रणाली लागू की जो आज पूरे विश्व के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मनीषियों ने जो हमारा संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लेकिन आज वह संविधान हमारे जनता के लिए, हमारे लिए एक मार्गदर्शक तो है सही, लेकिन उस संविधान के द्वारा हम दुनिया के अंदर संदेश दे पाए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो जनता के द्वारा चलाया जाता है,
और जनता जिसको चलाती, और इसीलिए उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हम राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा। और आज भारत के अंदर इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने सामाजिक लोकतंत्र के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारा लोकतंत्र हर विधायी मंडल के अंदर, जहां पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चुनकर आकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकता है, ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र में चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे पंचायत हो, हमारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की ज्यादा भागीदारी हो, सक्रिय भागीदारी हो, और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जो जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, हम उनकी पूरी कर सकें। ये बात सही है कि आज हमारे लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं कि हम किस तरीके से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिस्थितियों का एक ऐसा सृजन करें जिससे समाज का हर प्रत्येक वर्ग, समाज का हर व्यक्ति इस लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निभा सके। और हमने इसके लिए व्यापक प्रयास शुरू किए, और भारत एक ऐसा देश है जहां नीचे पंचायत से लेकर, गांव से लेकर दिल्ली तक लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी, जनता की बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने अपने सदन में पहुंचाने की प्रक्रिया हमने व्यवस्थित तरीके से शुरू किए। और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए, और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में संवेदना के साथ काम हो, जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं लोगों की है, जो लोगों के विचार हैं, वह जनप्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से रखे, और नीतियां बनाते समय उसमें सक्रिय भागीदारी हो। साथियों, ये बात सही कहा कि हमारे डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम साहब ने, सीएम साहब ने कि सारे रीजन के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर परिवर्तन होने में समय लगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पिछले 5 दशक से अलग अलग राज्य अस्तित्व में आए और राज्यों के अंदर अपने अपने विधानमंडल बने, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट की कुछ विधानसभाओं में गया हूं। मिजोरम के अंदर मुझे अभी 50वीं वर्षगांठ में जाना था, वहां मैं नहीं जा पाया, लेकिन जिस तरीके से इस 5 दशक की लोकतंत्र यात्रा के अंदर सभी नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाओं ने अपने अपने विधानमंडल के अंदर जिस तरीके से उच्च परंपराएं, परपाटियां, प्रक्रियाएं, जनता की भागीदारी, नए इनोवेशन, नए क्रिएटिव लागू किए, उसके लिए मैं कम समय के अंदर जिन विधानमंडलों को सशक्त मजबूत बनाया, उसके लिए मैं सभी विधानमंडल के अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये बात सही है, हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब हरवंश जी ने कहा है कि 75 वर्ष की इस यात्रा के अंदर बहुत विकास हुआ है, लेकिन जब हम 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा की चर्चा करते हैं तो यह सारा का सारा क्षेत्र
नॉर्थ ईस्ट का तमाम इलाका, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, डिजिटलकरण हो, इनके कहीं ना कहीं इसमें गैप रहा था। और पिछले 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश के सामने विचार रखा कि जो प्रदेश हमारे सबसे पिछड़े हुए हैं, उन प्रदेशों को, उनकी संस्कृति को संरक्षण करते हुए कैसे विकास के अंदर आगे ले जाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने उस समय कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का विकास का इंजन है। और आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में इस 10 साल के अंदर देश के राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, मंत्रीगण हो, तमाम लोगों ने और तमाम लोगों की यहां पर यात्राएं, इस यात्राओं के माध्यम से यहां की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को समझना, यहां के लोगों से साथ चर्चा करना, संवाद करना, और उसके आधार पर एक बेहतर विकास की कार्ययोजना बनाना। और इसके लिए एक विभाग के लिए अलग मंत्री बनाए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री हैं, जो समय समय पर राज्यों केंद्रों से आपस मिलकर योजनाएं बनाते रहते हैं ताकि एक बेहतर तरीके की योजना बन सके। साथियों, जो विषय आपने यहां पर रखे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की चुनौतियों और चुनौतियों के बाद उसके समाधान। दूसरा विषय आपने जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोक संस्कृति का भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षण भी हो और उस संरक्षण में विधायिका की क्या भूमिका हो, जनता की क्या भागीदारी हो, इसके लिए आपने दो विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद यहां पर की जाएगी। ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट के सामने बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान आपने संघर्ष किया और चुनौतियों से लड़े हैं और चुनौतियों से इसका समाधान भी निकाला। नॉर्थ ईस्ट भारत और दुनिया का वह क्षेत्र है जहां आज भी विकास की बहुत संभावना है और उस विकास की संभावनाओं को यहां के नेतृत्व ने, विलक्षण नेतृत्व ने अपने अपने प्रदेश के अंदर एक व्यापक विकास की योजनाएं बनाई। और इसलिए आपने जो यहां पर चुनौतियां थी उन चुनौतियों के समाधान के लिए और बेहतर समाधान के लिए जो आपने काम किए, आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट लगातार इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए देश के विकास की मुख्य धारा का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, किस तरीके से आपने इस अरुणाचल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नई तकनीकी, नई वैज्ञानिक सोच और उसके साथ साथ यहां की पारंपरिक खेती, इन तीनों का संयोजन करते हुए एक जैविक खेती का एक हब इस स्टेट को बनाया। केवल इस स्टेट का नहीं, पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैविक खेती और जैविक खेती के उपाय काम मालूम की हैं
आज देश के अंदर सबसे ज्यादा जैविक खेती का उत्पादन का इलाका नॉर्थ ईस्ट हो चुका है, और दुनिया के अंदर जिस तरीके की जैविक खेती के प्रति और जैविक उत्पाद के प्रति लोगों का आकर्षण बना है, केवल हमें आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस जैविक खेती और जैविक खेती के उत्पादों की एक ग्लोबल चेन बनाएं, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का फिनिश प्रोडक्ट किस तरीके से दुनिया को एक बेहतरीन बाजार दे सके। और इसके लिए आपने व्यापक प्रयास किए, उसके परिणाम आने लगे। इसी तरीके से हमारी जनजातीय क्षेत्र, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट बहु जनजातीय क्षेत्र है, जहां का हस्तशिल्प, हस्तकला अपने आप में दुनिया के अंदर अद्भुत है, उस हस्तशिल्प, हस्तकला उत्पादक का हमें एक व्यापक मार्केट डेवलप करने की आवश्यकता है। और इस दिशा के अंदर आज दुनिया के अंदर इनके लिए एक बड़ा हब बन चुके हैं। आज दुनिया में जिस तरीके से बदलाव आया है, लोगों में हस्तशिल्प के प्रति, हस्तकला के प्रति और विशेष रूप से लोकल प्रोडक्ट बनाने की जो बेहतर परंपरा है, उसको हम विकसित करते हुए उसका वर्ल्ड वाइड मार्केट तैयार कर सके, इस दिशा की ओर भी काम करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से पर्यटन के क्षेत्र के अंदर जब मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर चाहे अरुणाचल हो, चाहे पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, देश और दुनिया का सबसे बढ़िया पर्यटन हब बन सकता है, और इसके लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। और कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 10 वर्ष के अंदर चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, एक व्यापक बदलाव सारे नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर आए हैं। अरुणाचल के अंदर भी नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से बेहतर रोड कनेक्टिविटी, हाईवे, हाईवे के बाद फिर रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस सब के लिए जब कनेक्टिविटी जितनी बनेगी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं यहां पर होगी, और एक पर्यटन हब बना सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया के कई देश तो उनकी सारी इकोनॉमी पर्यटन पर टिकी हुई है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हमारा जब यहां पर 2 दिन तक चर्चा संवाद होंगे, जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियां भी बताएंगे, नए इनोवेशन बताएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जो आ रहे हैं उसको हम किस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पर्यटक की संभावनाएं बेहतर है या पर्यटन केंद्र बेहतर है, तो दुनिया के पर्यटकों को हम आकर्षित करने के लिए एक व्यापक प्लान बन पाएंगे। इसी तरीके से साथियों, आने वाले समय के अंदर हमारे सामने जो बेहतर चुनौती है, जिसका आपने जिक्र किया कि लोक संस्कृति और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण में विधायक की भूमिका, यह बात सही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुजाति संस्कृति को हमें संरक्षण करना है। यहां की विविधताएं, एक ही प्रदेश के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, हमारी समृद्ध जनजाति संस्कृति आज दुनिया को एक दिशा दे रही है। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी प्रयास भारत के अंदर अंग्रेजों ने किए, मुगल शासकों ने किए, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। और आज हमारे
नई पीढ़ी के सामने ये जिम्मेदारी है कि हम हमारी बहुत जाति संस्कृति का संरक्षण भी करें, हमारी बायोडायवर्सिटी की बात की आपने, कल्चर डायवर्सिटी की बात की, लेकिन हम बहु जनजाति को संरक्षण करते हुए किस तरीके से हम विकास की योजनाएं बना सकते हैं। विकास और हमारी जनजाति संरक्षण, इसके सामंजस्य से हमें काम करेंगे तो हम विकास के नए रास्ते खोलेंगे, और इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी संस्कृति, परंपराओं, परपाटियों, हमारी बहु संस्कृति जो जीवंत है उसको साथ लेकर चलें, और उसके साथ जन सहयोग हो, जन भागीदारी हो। और ये काम जब भी हो सकता है जब विधायी संस्थाएं विकास के अंदर हमारी संस्कृति को संरक्षण करते हुए योजनाएं बनाते समय जनभागीदारी हो। जितनी विकास के अंदर जनभागीदारी होगी उतना ही हम ठीक से नीतियों का पालन करके अंतिम व्यक्ति के जीवन में विकास कर पाएंगे, और इसीलिए हमें हमारे पर्यावरण, हमारी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षण करके विकास की योजना बनानी है, ताकि जो यहाँ की धरोहर है, जो यहाँ की पहचान है, प्राकृतिक नदियाँ, घाटियाँ, तालाब, आप आज अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितनी नदियाँ हैं वो नदियाँ हमारे वरदान हैं। आने वाले समय के अंदर जब बिजली के उत्पादन की चर्चा होगी तो अरुणाचल की विशेष रूप से चर्चा होगी, और इसीलिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी भी इसी विजन के साथ इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं कि हम देश का सबसे बिजली का बड़ा हब भी बन सकें, लेकिन हमारी प्राकृतिक संस्थाएं संरक्षण, हमारी नदियों को भी संरक्षित कर सकें, और नदियों का लाभ समाज के जनजीवन के अंदर एक व्यापक प्रभाव पड़कर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा की ओर उनका व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। साथियों, यही हमारी लोकतंत्र की विशेषता है कि हम चर्चा संवाद से योजनाएं बनाते। कोई समय था जब नॉर्थ ईस्ट का अधिकतम इलाका उग्रवाद और आतंकवाद के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज समय परिवर्तन हुआ है। आज इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार की बातचीत, चर्चा, संवाद के कारण इन सारे इलाके के अंदर जहां उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है, वहीं उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त करने में इस विधायी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान रहा है। हमारे मित्र तापिर गांव जी यहां बैठे हैं, संसद के अंदर समय समय पर नॉर्थ ईस्ट के विषयों को संसद में रखते रहते हैं, आपकी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते रहते हैं। आज समय परिवर्तन हुआ है, आज समय बातचीत का है, संवाद का है, चर्चा है। जितनी लोगों की जनभागीदारी लोकतंत्र के अंदर बढ़ेगी, जितनी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी, उतना ही उस प्रदेश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद समाप्त हो, और इसीलिए इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान है। मैं आज सीपीए के इस प्लेटफार्म पर कह सकता हूं कि सीपीए का प्लेटफार्म एक उपयुक्त मंच है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से विचार विमर्श, चर्चा, संवाद से जो परिणाम आता है, उस परिणाम से हम व्यापक कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। जितना सीपीए के प्लेटफार्म पर विधायी संस्थाएं चर्चा करेंगी, संवाद करेंगी,
अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी, उतना ही हम उन्नत विधायी कार्य कर पाएंगे। इसलिए हमारी विधायी संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हमारी विधायी संस्थाओं के अंदर होने वाली हर चर्चा और संवाद के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जितनी हम अंतिम व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, उनकी भावनाएं, उनके विचारों की अभिव्यक्ति की जितनी चर्चा और संवाद होगा, उतना ही बेहतरीन परिणाम शासन में आएगा। और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारे शासन निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से भारत के संविधान में जनता को बीच में रखकर संविधान का निर्माण कराया और उस समय निर्णय किया कि हर नीतियां, हर कार्य योजना बने उसमें जनता की विशेष रूप से भागीदारी हो। और इसके लिए समय समय पर सीपीए प्लेटफार्म पर उपित कार्य चलता रहता है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर नॉर्थ ईस्ट का सारा इलाका इन विधायी संस्थाओं की चर्चा और संवाद के माध्यम से हम एक बेहतर विकास की ओर बढ़ेंगे, चाहे पावर के सेक्टर के अंदर हो, चाहे जलापूर्ति के सेक्टर में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो या हर कनेक्टिविटी हो, टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी खेल, एक व्यापक विकास की ओर ये सारा क्षेत्र बन रहा है। और विशेष रूप से मैं यहां के मानव संसाधन के नौजवानों को धन्यवाद देना चाहूं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने कीर्तिमान स्थापित करकर देश और दुनिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया है। आज यही हमारी ताकत है कि नॉर्थ ईस्ट का नौजवान, जिसकी मानव संसाधन क्षमता अद्भुत है, जिसकी काम करने की क्षमता अद्भुत है, जिसका एक विजन है, जो एक लक्ष्य बनाकर काम करता है और जिस क्षेत्र में भी काम करता है अपेक्षित परिणाम लाता है, यही नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों की समग्र ताकत है। मुझे आशा है कि इस सीपीए के प्लेटफार्म पर दो दिन तक व्यापक चर्चा होगी, संवाद होंगे, जिन दो विषयों के अलावा भी अन्य विषयों पर जो चर्चा संवाद होंगे वह राज्य की सरकारों को नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में एक बेहतरीन सुझाव देंगे, केंद्र की सरकार को भी लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में सुझाव देंगे और इसके परिणाम ठीक से लागू हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी विधायी संस्थाएं हैं, इन विधायी संस्थाओं के जो चर्चा, संवाद, परस्पर सुझाव, जो विचार आते हैं उनको केंद्र और राज्य की सरकार उसको अवगत कराऊं, ताकि हम बेहतर नीतियां, कार्यक्रम बनाकर अधिकतर जनता का कल्याण कर सकें। यही हमारा सबका मकसद रहता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।